स्टार्ट किया था और हम जैसे ही निकले थे तो हमें एक जगह पे स्टॉप ओवर करना पड़ा था क्योंकि आसिम ने जो है वो आइस बॉक्स लेना था यहाँ पे जो है पेट्रोल स्टेशन से आइस का जो है वो मिल जाता है और साथ ही हमने वो पानी की बॉटल्स जो थी वो भी लेनी थी तो बॉटल्स हमने आइस की में डाल ली थी और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं पार्क पार्क में पहुंचने के बाद तैमूर भाई हमारा वेट कर रहे थे तो वहाँ अब गाड़ी में से जो है ना सामान निकाल रहे हैं तो देखें सामान सबसे पहले हमने निकाली है अपनी ट्रॉली क्योंकि सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है तो फिर जो जितना भी सामान है हमारे पास अंगीठियाँ वग़ैरह वो हमने इसमें डाल ली हैं अब यहाँ पर मैं पार्क में पहुँच चुकी हूँ और देख रही हूँ कि कहाँ पर जो है निजाम ज़िंदगी को सेट किया जाए और यहाँ पे जो है बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए थे Hello. Hi, it's Minha. How are you? Tell me You want more rice? तो ये है हमारे मेहमान मेज़बान और थोड़ा सा हमारा सामान और यहाँ पे जो है ना आते साथ ही जो है इन्होंने अंगीठी सेट कर दी थी अंगीठी को सेट करने के बाद इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम अपना जो सामान है उसको सेटिंग उसकी बनाएंगे सबसे पहले मैट बिछा लिया था कुर्सियों को खोल लिया गया है और उसके बाद जो है दरख्त के नीचे हमने अपनी अंगीठी सेट कर ली है यहाँ पे आसे मुझे दिखा रहे थे कि कितनी अच्छी और लम्बी लम्बी रोटियाँ जो है वो तैमूर भाई ले आए हैं और मुझे इनको जो है खोल के दिखा रहे थे ये आज 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 चिकन के हैं भाई सर क्योंकि सारा था, ही बता सकता आज खाने में क्या है। ने तैयार किया हाँ हाँ तो फिर इसके बाद जो है आज ने अपना फेवरेट काम करना शुरू कर दिया था यानी कि कोयलों को आग लगानी शुरू कर दी थी पहले इन्होंने इसके नीचे फायर स्टार्टर रखे थे और उसके ऊपर इन्होंने ग्रिल रखी थी और उसके ऊपर इन्होंने कोयले रखे थे अब ये फायर स्टार्टर को आग लगा रहे हैं इससे क्या है कि कोयलों को फौरन आग लग जाती है और कोयले फौरन से जल जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आग जो है ना वो कैच हुई है ए, बात सुने। जी, सुनाएं। जी, सुनाएं। आज आपने सही आग लगाई जलने फिर तो मज़ा बिल्कुल नहीं आना कोयलों को आप कम पड़ रही है आग दूर उधर ज़्यादा निकल रही है क्योंकि हवा का कोयलों को कम पड़ रही है ये तो देखेंगे आप तो जब करने को कोई काम नहीं होता तो इंसान फालतू की बातें बहुत सारी करता है तो यहाँ पे हम कोयलों को डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद कोयलों को जलाने की सारी टेक्निक्स अपना रहे थे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी हमारा पार्क पार्क में बहुत ज़्यादा आज रश था हर तरह के झूले यहाँ पे बने हुए थे तो यहाँ पे हमारे तकरीबन जो कोयले हैं ना वो तकरीबन रेडी होने वाले हैं लेकिन अभी रेडी नहीं हुए थे तो इन्होंने कहा कि अब और क्या किया जाए फुर्सत में तो इन्होंने कहा जी क्रिकेट खेल ली जाए आज का और तैमूर भाई जो है उन्होंने क्रिकेट खेलनी थोड़ी सी शुरू कर दी थी कि जब तक कोयले जलते हैं तो हम क्रिकेट खेल लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो तैमूर भाई बैटिंग कर रहे हैं और रात का बॉलिंग कर रही है और यहाँ पे जो है मैं बैठ के जो है वो वेट कर रही थी कि, कि कब ये कोयले जलेंगे और उसके ऊपर हम अपना चिकन वगैरह रखेंगे और आपको मैं अपने साथ साथ जो है ना पार्क के व्यूज़ भी दिखा रही हूँ वैसे इस चिकन को मसाला तैमूर भाई ने लगाया था लेकिन आखिरी मोमेंट पर आसिम ने कहा कि मैं भी अपने हाथों का जादू इन पर चलाना चाहता हूँ तो उन्होंने भी चिकन के अंदर हाथ हिला के इसको जो है मसाले को जो है ना अच्छी तरह इसके ऊपर रब कर दिया था उसके बाद अब ग्रिल जो है ना हमारी वो रखती थी कोयलों के ऊपर और उसके ऊपर अब वन बाय वन ये पीसेस रख रहे हैं चिकन साथ साथ मसालों का भी बताएं आपने कौन कौन से मसाले लगाए तो यहाँ हमारा चिकन जो है ग्रिल वन वन के ऊपर जा रहा है और पूरे पीसेस जो है वो रखे हुए हैं बड़ा ताकतवर चिकन लग रहा है हाँ स्टील खाता था लोहे के चने चिपाहे हैं चिकन ने यही आपका खराब कर तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है ना वो ग्रिल के ऊपर जा चुका है ग्रिल के ऊपर जाने के बाद जो है सबको अब वेट था कि कब जो है ना अब चिकन रेडी होगा तो बस ग्रिल के ऊपर रखने के बाद इन्होंने ऑयल का स्प्रे किया था इसके ऊपर और फिर उसके बाद जो है फाइव मिनट के बाद इसको पलटा लिया था सारा चिकन तकरीबन ग्रिल पे आ गया था लेकिन एक चिकन का जो पीस था वो रह गया था बाद में सब ने फैसला किया कि इसको कहाँ अकेले हम तरसाएं तो इसको भी साथ ही रख दिया था तो यहाँ पे जो ऑयल का स्प्रे किया जा रहा है असली लग रहा है काफी असली चीजें लेके आये आज आप होता है चिपक जाता है ना तो जिस दिन बारबेक्यू क्यू होता है ना उस दिन जो है औरतों के लिए जो है नो कुकिंग डे होता है क्योंकि जो है मर्द है ना वो आराम से बारबेक्यू कर लेते हैं औरतें बस आराम सुकून से आके पार्क में अपना बैठ के अपनी रिलैक्स हो जाती हैं चिट चैट कर लेती हैं थोड़ी सी थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेती हैं बाकी जो है मर्द है ना उस दिन के लिए उनके लिए थोड़ा सा टास्क हो जाता है एक्टिविटी उनकी हो जाती है तो वो ये है कि मर्द जो है उस दिन की कुकिंग कर लेते हैं और औरतें जो है उनको वीक के बाद एक जो है वो मिल जाता है कि रिलैक्सेशन का टाइम तो हम लोगों ने भी ये टाइम काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि बारबी हो रहा था और ये देखें ये चिकन जो है पलटा रहे हैं अब क्योंकि चिकन एक साइड से जो है वो कलर आ चुका था फुली कलर नहीं आया था क्योंकि अभी अभी चिकन रखा था तो ये साथ चिपक जाता है तो वो बता रहे थे कि इसको फ़ौर एक दफ़ा पलटा देना चाहिए उसके बाद बाकी चिकन को ऑयल लगा के बाद में आराम आराम से पकाना चाहिए खैर बेशक औरतें किचन में काम नहीं कर रही होती या कुकिंग नहीं कर रही होती मशफरे वो पूरे दे रही होती हैं तो यहाँ हम लोग भी अपने पूरे लुक में दे रही थी कि इसको जो है ऐसा कुक करना है वैसा कुक करना है इस पर ये कलर होना चाहिए वो कलर होना चाहिए तो आए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी एसकी से इसको कहते हैं जी एसकी इसके अंदर हमने सारी बोतलें रख दी थी साथ में इसमें मैंने आइस डाल दी थी यहाँ पे जो है जो चिकन तो अब रख दिया है अब सकून माहौल डॉट कॉम चल रहा है क्योंकि सब लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स डाल के पी रहे हैं एसकी में से निकाल के क्योंकि एक बड़ा अच्छा दिन था आज धूप थी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी तो यहाँ पे आपका जो है वो मसाला डाल रही है चिकन के ऊपर आपका बन रही है मसाला बे सॉल्ट बे ऐसे करके डाल हाँ ऐसे करके ऐसे करके आधा कपड़ों पे आधा नीचे अब बाकी डायरेक्शन उधर हो तो फिर आपके कपड़ों पे भी लगेगा तो यहाँ पे ना हमारा जो चिकन है ना वो तकरीबन रेडी हो चुका है तो ये जो है ना चिकन का कलर आया था हमने इसके ऊपर जो फर्दर मसाला बच गया था वो भी डाल दिया था इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया था बार बार हम लोग इसके ऊपर ऑयल का स्प्रे कर रहे थे इसको बड़ा ही अच्छा कलर आया था एक तो ये अच्छी तरह से पक गया था दूसरा जो है ना इसको दबा दबा के पका रहे थे ताकि इसके अंदर से कुछ भी कच्चा ना रह जाए तो यहाँ पर ये फ़ाइनल लुक है हमारे चिकन की यहाँ पर हमारा खाना तकरीबन रेडी हो चुका है और उसके बाद हमने खाना सर्व कर दिया था बच्चों को हमने पार्क से बुला लिया था तो हम लोगों ने बैठ के फिर उसके बाद अपना खाना एंजॉय किया था इसको देखने के बाद हमसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा ये चिकन कच्चा था फिर से तो पका हुआ फील हो रहा होता है लेकिन ये अंदर से उतना अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ होता तो ये जो हमारे हेड शेफ़ है ना इनको बहुत एक्सपर्ट हैं ये बारबेक्यू बनाने में बहुत ही ज़्यादा तो ये तब तक हमें नहीं दे रहे थे जब तक ये फुली सेटिस्फाई ना हो कि पक चुका है या नहीं ऐसा लग रहा है ये ना तामो तो भाई ने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मिसिस को सीधा करके रख दिया जी 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 विंग है ये रिंग वाली साइड है ना रिंग वाली साइड इसको बड़ी कम हीट लगती है तो फाइनली शुभ घड़ी आ चुकी है चिकन के पीसेस जो हेड शेफ की तरफ से अप्रूव हो चुके हैं और यहाँ पे आज का जो है वो रोटियाँ तोड़ रही थी क्योंकि रोटियाँ काफ़ी लंबी थी तो हाफ से कट कर रही थी ताकि सब लोग जो है ना वो आराम से वो रोटी जो है पीसेस ले सकें यहाँ पे हमारा चिकन आ चुका है बच्चों को मैंने सर्व कर दिया था इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता था वीडियो बनाने का मैंने फटाफट फटा अपना खाना डाला और उसके बाद तो चिरागों में रोशनी नहीं रही इतने मज़े का खाना था तो यहाँ पर इन्होंने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाई हुई थी अल्लाह से बैठ के ये लोग खाना खा रहे थे और यहाँ पर देखें कैसे सामान बिखरा हुआ है हम लोग जैसे ही हमने खाना खाया हमने सब कुछ समेट दिया था जितने हमारे बर्तन थे डिस्पोजेबल थे हम लोगों ने उनको एक बिन बैग में डाल दिया था और उसके बाद जो है ना ये क्रिकेट खेलने चले गए थे ताकि थोड़ी सी एक्टिविटी और खाना भी हजम हो जाए और दिन भी काफ़ी अच्छा था आज दिन भी एक्टिविटी वाला था लास्ट वीक के एक्सपीरियंस के बाद हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हम काफ़ी बोर होंगे इसलिए हम अपना जो है आज बिल्कुल भी सामान नहीं भूले और सब कुछ साथ लेके आए थे तो यहाँ पर देखें जी कैसे क्रिकेट चल रही है

टीम नहीं सही ये तो आतका जो है वो कैच आउट हो चुकी थी लेकिन उन्होंने कहा ये गलत बॉल है तो नेक्स्ट बॉल पे जब आतका की बॉल दूसरी तरफ गई तो सबने टीम उनको कहा कि अब ये बॉल भी आप ही लेके आएंगी तो यहाँ पे जो बैट्समैन है ना वही फील्डर भी था तो जब टीम इतना अच्छा खेल रही थी तो मुझे तो पता ही था कि मेरे हाथ में तो कभी भी कोई कैच नहीं आने वाला इसलिए मैं इधर उधर घूमने लग गई थी कि मुझे पता था कि ये तो इतने चौके छक्के मारे हैं मेरे हाथ में कहाँ से कोई कैच आएगा तो इसलिए मैं मज़े से अपनी जो है ना वीडियो बना रही थी और ये लोग अपनी जो है ना बहुत मेहनत से आद को आउट करने की कोशिशें कर रहे थे खैर मैंने तो उसी टाइम अपीयर होना था जब मेरी बारी आनी थी यहाँ पर ये लोग इसको आउट करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं इतने कैच इन्होंने ड्रॉप किए इससे आपको इस टीम की परफॉर्मेंस का अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल भी तवज्जो से खेल नहीं रहे थे ड्रॉप तकरीबन 12 कैच जो है ना वो ड्रॉप हो चुके हैं अभी तक तो बस फिर इसके बाद मुझे अंदाजा हो चुका था कि दर्जन कैच ये लोग कैच नहीं कर सके तो फिर मैं क्या हक हाँ कर लूंगी तो फिर मैंने इधर वैसे ही घूमना शुरू कर दिया था वैसे भी मैंने टीम में सिर्फ एक ही चीज सीखी हुई है कि मुझे सिर्फ बैटिंग आती है बाकी मुझे कुछ नहीं आता तो इससे ना काम बड़ा आसान रहता है बस आप बैटिंग करते हैं बाकी काम आपको करने नहीं पड़ते बस इधर उधर घूमना पड़ता है उसके अलावा आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती फिर क्या आप पूछना चाहते हैं आप मुझसे कुछ नहीं फाइनली yes. कैच हो गया है और मेरी बारी आ चुकी है ये भी catch था भाई, Easy catch. तो मेरा जो बैटिंग का जज्बा है ना वो बिल्कुल बॉलिंग और फील्डिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि क्योंकि बैटिंग जो है ना वो मैं कर लेती हूँ बड़े आराम से और मुझे जो है ना बस वो यही है कि मैंने इन सबको बोला हुआ है कि मुझे बस बैटिंग आती है बाकी मुझे कुछ नहीं आता मुझे वाकई वाकई कुछ भी नहीं आता सिर्फ बैटिंग आती है तो मैं मज़े से बस अपनी बैटिंग कर रही थी तो मैंने इनको कहा हुआ कि मैं पाँच बार जब आउट होंगी ना तो तब मैं अपना आउट माना करूंगी तो बस फिर मेरी टीम बड़ी मासूम है बेचारी मुझे पाँच बार तकरीबन आउट देते हैं ये लोग और अगर ये लोग आउट मान लेना तो फिर मेरे पास एक ट्रिक होती है मैं तो कहना शुरू कर देती हूँ कि नहीं नहीं ये तो बॉल ही सही नहीं थी मैं तो इस आउट को मानती ही नहीं हूँ फिर बेचारों को मुझे बॉलिंग देनी वो बैटिंग देनी पड़ी जाती है फिर मेरा शक्ल देख के वो मुझे जो है ना फिर से चांस दे ही देते हैं और फिर मैं बार बार आउट होती हूँ तकरीबन चार पाँच बारियाँ ये मुझे देते हैं अब इनको भी पता चल चुका है कि भाभी ने तभी यहाँ से जान छोड़नी है जब उनको पाँच बार हमने आउट करना है तो यहाँ पर जो है ना सब लोग मुझे पाँच बारियाँ दे रहे थे अपनी तो मैंने ईमानदारी से अपनी पाँच बारियाँ पूरी की और उसके बाद जो है ना आउट होने के बाद आराम म स्कून से मैं छोड़ के गेम आ गई तो आज हम लोगों ने इनसे पांच पांच बारियाँ ली और इनको इतना थका दिया कि जैसे ही मैं आउट हुई ना तो सब लोग इतना थक चुके थे कि सब लोग मेरे साथ ही गेम छोड़ के वापस आके बैठ गए थे और इसके बाद आके हमने फिर से ड्रिंक्स पी फिर हमने जो है ना अपनी चाय की हेड शेफ़ को कहा कि आप हमारे लिए चाय बनाएं क्योंकि आज का जो है ना वो बहुत अच्छी चाय बनाती हैं तो हमें पता होता है बाय डिफ़ॉल्ट चाय जो है ना वो उन्होंने ही बनानी होती है तो बस फिर कोयले जो है ना वो रेडी किए जा रहे हैं चाय के हिसाब पे तो इसलिए जो है कोयलों को इकट्ठा किया सबसे पहले उसके ऊपर फिर जो है ना चाय का इंतज़ाम हमने कर दिया था सब लोग थका हार के बैठ चुके हैं यहाँ पे चाय भी जो है ना हमने रख दी है चीज़ें डाल दी हैं और उसके बाद सुकून माहौल में जा कर हम लोग आराम से सुकून करने लग गए थे क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है चाय बनने में कोयले में आराम से चाय उबलती है दरख के नीचे बैठ के हमने माशालाइक होने का मुजाहरा करते हुए आसिम को बता रही थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे दरख्त के नीचे उन्होंने ग्रेविटी को ईजाद किया था ऐसे ही हम दरख्त के नीचे चाय बना रहे हैं पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बल्कि न्यूटन था इसके बाद तो चिरागों में फिर रोशनी ही नहीं रही तो यहाँ पे हमने कहा कि अब थोड़ा बहुत काम हम भी कर लेते हैं चाय तो बन गई थी तो उसके बाद हमने कहा कि चलो जी अब चाय डाल लेते हैं कप में शहीदों में हमारा भी नाम ज़रा लिखा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे चाय कप में डाल के इनको सर्व कर रहे हैं सबको ये हमारे ग्रुप का क्रूशियल मेंबर है जो कि चाय बड़ी क्यूट तरीके से बनाता है तो इनको चाय बनाने का बहुत शौक है जुहान नाम है इनका और इनको चाय बहुत अच्छी बनानी आती है ये हर चीज़ डाल के चाय बनाते हैं चाय पीने के बाद सबके अंदर एनर्जी कीहर लहर आ गई थी तो तैमूर भाई ने कहा कि मैं फिर से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो है ना मैं उनकी वीडियो बना रही थी क्योंकि जैसे ही मैं उनकी वीडियो बनाती थी उनसे कोई भी शॉट नहीं लग रहा था तो साबित हुआ कि मेरा कैमरा उनके लिए काफ़ी पनौती साबित हुआ था यानी कि मनहूस और जो है जब भी मैं उनकी वीडियो नहीं बना रही थी वो बहुत सारे शॉर्ट्स मार रहे थे तो फिर जैसे ही मैं कैमरा बंद करती थी वो शॉर्ट्स मारते थे और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी उनसे एक भी शॉट नहीं लग रहा था तो आखिर में उनसे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप भी आप अपना कैमरा बंद कर दें ताकि मेरी जो है ना वो शॉर्ट्स लग सकें तो फिर मैं आपको यहाँ का व्यू चेक करा रही हूँ धूप भी अब खत्म हो चुकी थी लेकिन क्रिकेट का जज्बा जो था ना वो अरूज पे था अभी भी क्योंकि लोग जो है ना वो अभी तक खेल रहे थे पूरे पार्क में लोग थे लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे बल्कि काइट फ्लाइंग भी हो रही थी यहाँ पर और शाम का टाइम इतना खूबसूरत था यहाँ पर हम लोग तो क्रिकेट खेल खेल के जो है ना वो थक नहीं रहे थे तो अभी हम लोग बारबेक्यू कर चुके थे यहाँ पे पार्क में ना जगह जगह मैं आपको दिखाती हूँ कि हर बंदा जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे पिकनिक कर रहा है या बारबेक्यू कर रहा है या अपना टेबल सेट किया हुआ है तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही थी शाम को बहुत ज़्यादा रश हो गया था तो हम लोग बड़े सुकून में थे क्योंकि हमने खाना खा लिया था चाय पी ली थी इसके बाद यह कि हम खाना हज़म करने के लिए जो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे और यहाँ पर फिर जो है मैं बैठ के आपके लिए अपनी वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे आसिम ने भी मुझे ज्वाइन किया था कि चलो जी अब फुर्सत में बैठ के थोड़ी सी दो चार गल् भी ऐसी कर ली है फिर मैंने कहा ज़रा मैं आपके साथ पंगे भी ले लूँ चलो जी बस फिर इसके बाद हो गया जी पैकअप टाइम अब जो है ना ये अंगीठी में से कोयले जो हैं वो गिरा के आए हैं अब ये बड़े ही सुघड़ तरीके से अपनी जो है ना पैकिंग करेंगे सारा सामान इन्होंने जो है पैक कर दिया है ये जो है ना हमारी कार्ट है कार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना फोल्ड करके वापस रखते जा रहे हैं और इसमें सिर्फ हंड्रेड के तक सामान अलाउड है लेकिन हमने तकरीबन डेढ़ एक सौ से भी ऊपर इसके अंदर डाला हुआ था यहाँ से हम पार्क से जो है पैदल चल के गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं इस पार्क में जो है ना वो पार्किंग काफ़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन नज़दीक मिल जाती है तो यहाँ पर हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं गाड़ियों की तरफ तो इतनी मेहनत भरा दिन गुजारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज जो है सारा दिन में मैंने कोई काम नहीं करना था सिर्फ पार्क में आके बैठना था और क्रिकेट खेलनी थी बाकी सारा काम जो था वो आसिम ने किया था आज क्योंकि पाँच दिन छः दिन जो है घर में हम लोग काम करते हैं तो एज अ रिवॉर्ड हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो एक दिन हमारे लिए काम करते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने घर आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हो होगा अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू सो so मच फॉर वॉचिंग